Maria Montessori's life time was from 1870 to 1952. तो ये इनका लाइफ टाइम था, टाइम पीरियड था. और मारिया मोंटेसरी नेम इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज एन ओरिजिनेटर ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड फॉर द चिल्ड्रन. तो आपने देखा होगा सगोता में भी मोंटेसरी स्कूल्स हैं, और लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, यानी जितने बड़े शहर हैं उसमें मोंटेसरी स्कूल्स होते हैं. तो ये जो मोंटेसरी स्कूल्स है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेटा मारियो मोंटेसरी ने दिया था. उसके जो लाइफ पीरियड है ये आप याद रखिएगा, डेट वॉज फ्रॉम 1872 1952. ठीक है. और शी बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी फ्री टू फाइंड आउट द थिंग्स फॉर देम सेल्व एंड डेवेल्प थ्रू इंडिविजुअल एक्टिविटी. बेसिकली ये जो नेचुरल एग्जाम्पल कंसेप्ट है ना, कि बच्चों को आप आज़ादी दें हरकतें करने की, काम करने की, तो उस सिलसिले में एंड शी बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी फ्री टू फाइंड आउट थिंग्स. तो ये है कि आप उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें बच्चे खास एज में, बहुत छोटी एज में, प्री स्कूल्स में आते हैं, और मोंटेसरी मेथड के थ्रू उनको टीच किया जाता है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, और एक खास तरह का इंसाफ होता है जो कि फुल ऑफ एक्टिविटीज होता है वो दिया जाता है बच्चों को स्कूल्स में. और जो मारिया मोंटेसरी का मेथड है उसमें बेटा ये है कि इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम डिलीवर्ड बाई मारिया मोंटेसरी. द मोंटेसरी मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एंड रिलेटिवली लिटिल फ्रॉम लिसनिंग टू अ टीचर टॉकर्स टू अ क्लास. सही बात है, जो बेटा छोटे बच्चे होते हैं उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती. हम बीइंग एडल्ट्स इतना मर्जी उनसे टॉक कर लें लेकिन वो नहीं समझ सकते हैं. तो इसलिए जरूरी है कि उनके लेवल पे जाके उनको ऐसे इन्वायरमेंट दी जाए जिसमें कम टॉक हो और ज़्यादा एक्टिविटीज हों, और वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करें, ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करें और उससे वो लर्न करें. तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है अगर हम छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप में, केजी में, अगर हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं थ्रू टॉक, थ्रू लेक्चरिंग, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि उनके बेटा जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो भी डेवलप नहीं हुआ, और उनका माइंड जो लेवल है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो उन्हें इतनी बातों का, इतने वर्ड्स का नहीं पता होता जितने एक एडल्ट को या हमें पता होता है. द मोंटेसरी मेथड प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन कैन एक्सप्लोर, टच एंड लर्न विदाउट फियर. ठीक है. तो जो एक मोंटेसरी मेथड है उसमें बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट, ऐसी एनवायरनमेंट में वो टच करता है, एक्सप्लोर करता है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स के साथ वो खेलता है और उससे वो लर्न करने की कोशिश करता है. ठीक है. और इसमें बेटा हम सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और द डर्ट एनवायरनमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन. जैसे बेटा डर्ट्स के कपड़े और होते हैं, ऐसे बच्चों के कपड़े और होते हैं. डर्ट्स के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ और होती हैं, छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं. तो हम उनको उनकी उनका एनवायरमेंट दें, ना कि एडल्ट का एनवायरमेंट दें. तो देर शुड बी एन एनवायरमेंट स्पेशली प्रिपेयर फॉर देम. और उसके लिए उन्होंने सिक्स फ्रीडम जो है ना, सिक्स प्रिंसिपल्स की बात की है. उसमें नंबर पहला जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम पे है, कि तो बच्चों को फ्री रखा जाए टू डू द एक्टिविटीज, वो खुद से टाइम चूज करें कितने टाइम में कोई एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, कैसे करनी है, और स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर. तो इसमें बच्चों को गाइड किया जाए एक्टिविटीज में, स्ट्रक्चर पैदा किया जाए, ऑर्डर पैदा किया जाए, कौन सी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, और फिर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ब्यूटी हो, ब्यूटिफिकेशन हो, यानी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स और क्लासरूम बहुत ज़्यादा डेकोरेट किए जाएँ, खूबसूरत बनाए जाएँ, और नेचर एंड रियलिटी को हम ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराएँ बच्चों को, यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएँ और रियल चीज़ों को हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाएँ, उनके साथ, उनके मॉडल्स के साथ, और सोशल एनवायरनमेंट हो जिसमें बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें, एक दूसरे मिलकर काम कर सकें, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट हो जिसमें एरिया ऑफ करिकुलम हो, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हो, यानी जो हम बच्चों में जो हम स्किल्स और वैल्यूज देना चाहते हैं वो चीज़ें, लैंग्वेज के रिलेटेड जो नॉलेज देना चाहते हैं वो भी हो, कल्चर सब्जेक्ट्स भी हों. तो ये चीज़ें सिक्स कंपोनेंट्स हैं मारिया मोंटेसरी के, और इनकी किट भी होती है, मोंटेसरी किट कहते हैं उसे, और उसमें काफ़ी सारा ऐसा मटीरियल होता है जो बच्चों को एक्टिविटीज के बारे में यूज़ होता है. ओके. नेक्स्ट जो बेटा स्लाइड है इसमें एक्सप्लेन, इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया कि फ्रीडम क्या है और बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं. तो फ्रीडम और चॉइस क्या है, फंडामेंटल टू मॉन्टेसरी अप्रोच है. और चॉइस अलाउज चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, के बच्चे खुद से इन चीज़ों को जो वो चाहते हैं वो करें, जो उनकी नीड्स हैं.
से देखें जो उनके इंटरेस्ट है, उन कामों को करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है अपनी एबिलिटीज के मुताबिक। फ्रीडम ऑफ टाइम, यानी बच्चे जो हैं दे शुड बी हैविंग सफिशिएंट टाइम टू यूज द मटीरियल, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे वांट, एंड फ्रीडम टू रिपीट, और जो काम वो बार बार करना चाहते हैं उनको वो दी जाए वो चीज़, ताकि वो बार बार उससे प्ले कर सकें या वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें या खेल सकें या टच कर सकें, जो भी वो करना चाहते हैं उनको, लेट देम हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम टू कम्युनिकेट, तो मोंटेसरी ये कि आप बच्चों को इनकरेज करें कि दे शुड कम्युनिकेट इन द क्लासरूम व्हाट एवर दे फील हाउ एवर दे थिंक, एंड यू नो लर्न टू डिस्कस एक्टिविटीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डेवलप देयर सोशल स्किल्स। आप उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें, उनसे पूछें आपने कैसे किया, क्यों किया, आपको क्या अच्छा लगा, दूसरों में क्या अच्छा लगा, ये छोटी छोटी बातें उनसे पूछें करें और उसको उनके रिप्लाइज लें। देन फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, तो बच्चे जो हैं दे शुड बी फ्री टू मेक मिस्टेक्स, उसमें कोई किसी किस्म पनिशमेंट ना हो और कोई इस तरह का यानी ओवर कंट्रोल ना हो, और बच्चों को लर्न बाय मिस्टेक जो है ना वो करने दें, इससे उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर हम डांटेंगे तो वो कॉन्फिडेंस किल करता है जो डांट करना है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो दूसरा मारिया मोंटेसरी के बाद जो दूसरा हमारे पास स्कॉलर है, एजुकेशनिस्ट है, थिंकर है, वो फ्रोबल है, और ही वाज अ फ्रेंच स्कॉलर बेसिकली फ्रोबल, और जर्मन एजुकेटर फ्रेडरिक फ्रोबल, और ही वाज हैविंग टाइम फ्रेम फ्रॉम 1782 टू 1852। ही वाज साइकोलॉजिस्ट एंड बेस्ट नोन फाउंडर ऑफ द किंडरगार्टन सिस्टम। तो जो किंडरगार्टन स्कूल में नजर आते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट फ्रोबल ने दिया था, और फ्रोबल फर्स्ट किंडरगार्टन वाज स्टार्टेड इन 1837 इन ब्लैकनबर्ग जर्मनी। जर्मनी उन्होंने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी। और ही वर्क्स फॉर, अगर हम वर्क देखें फ्रोबल का, फ्रोबल इज ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, उसमें ऑटोबायोग्राफी, एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ मैन, मदर प्ले, पेडागोजीज ऑफ किंडरगार्टन, ये वो बुक्स हैं जो उसने राइट किए हैं, उसको ऑथर हैं। और अगर हम फ्रोबल के फिलोसफिकल व्यूज देखें तो वो बात करते हैं लॉ ऑफ यूनिटी की, लॉ ऑफ डेवलपमेंट की, और लॉ ऑफ यूनिटी से मतलब ये है बेटा कि फ्रोबल वाज अ स्पिरिचुअल आइडियलिस्ट, और फॉर हिम ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ओरिएंटेड फ्रॉम गॉड। तो वो अल्लाह को मानता था और वो चाहता था कि भाई अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है उसको मजबूत किया जाए, और ये उसकी सोच थी कि सब चीज़ें जो है उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से ही है, एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पियर डिफरेंट आर सेंसली द सेम। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, हो सकता है वो हमें डिफरेंट नज़र आते हो लेकिन एक्चुअली वो सेम है, ठीक है। द लॉ ऑफ यूनिटी इज ऑपरेटिंग इन द होल यूनिवर्स, तो ये जो लॉ ऑफ यूनिटी है, ये जितने भी इंसान हैं बेटा वो एक तरह से बने हैं, और उसमें एक तरह का ही हमें मटीरियल नज़र आता है जिसे हम एटम्स कहते हैं। तो जितने भी बेटा मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं एटम्स, आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो उसको बनाने वाला भी एक ही है, ठीक है। तो पूरी यूनिवर्स से वो रिलेट करता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ यूनिटी है कि पूरी यूनिवर्स ऐसी बनी है। लॉ ऑफ डेवलपमेंट बेटा क्या है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज फिलॉसफी इज़ लॉ ऑफ डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम दिस लॉ ऑफ डेवलपमेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल वर्ल्ड इन द सेम वे। तो ये है कि ये जो लॉ ऑफ डेवलपमेंट है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी। फ्रोबल्स एजुकेशन प्रिंसिपल की हम बात करें तो वो कहता था एम ऑफ एजुकेशन शुड बी अनेबल टू चाइल्ड टू रियलाइज यूनिटी प्रिंसिपल्स। जो यूनिटी प्रिंसिपल हमने बात की थी उन प्रिंसिपल्स को बच्चा रियलाइज करे कि वाकई यूनिवर्स जो है वो एक तरीके से एक ही प्रिंसिपल से बनाई गई है। मेथड ऑफ एजुकेशन जो है उसके नज़दीक सेल्फ एक्टिविटी है, तो बच्चा खुद से करे और सीखे। मेथड ऑफ प्ले, उसका प्ले पे बहुत ज़्यादा उस पर इन्हेसार है, डिपेंडेंट है, और प्ले जो है वो बच्चे को खुश करता है, खुश रखता है। तो ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जिसमें बच्चा प्ले करे और लर्न करे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो फ्रीडम है वो लाजमी है, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एटमोसफियर, तो शुड बी डिवेल्प थ्रू सेल्फ एक्टिविटी इन द सोशल एटमोसफियर, कि बच्चा दूसरों के साथ खुद ही सोशल हो और मिलके काम करना सीखे, कलेबरेट करे, दूसरों पे साथ मिलके अपने फैसले करे, बात करे, कम्युनिकेट करे। पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी टू अनफोल्ड द इनेट पावर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी
जो है ना खुदा तआला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, और एजुकेशन का ये काम है कि वो उन सलाहियतों को बाहर लेके आए, अपब्रिंग करें और स्पिरिचुअल जो यूनियन यूनियन विद गॉड है उसको हासिल करना भी उसका एक मकसद है कि इंसानी बच्चा जो है वो इंसान जो भी है वो अल्लाह के साथ अपना जो ताल्लुक है, स्पिरिचुअल जो यूनियन है अल्लाह तआला का बॉन्ड है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे और उसको पक्का करे। अच्छा, उसके बाद जो है फ्रोबल के बाद अकॉर्डिंग टू फ्रोबल जो करिकुलम होगा, जैसे मैंने बताया कि हम करिकुलम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होंगी, नेचर स्टडी होगी, अरिथमेटिक होगा, लैंग्वेज होगी, आर्ट होगा, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, और मेथड ऑफ टीचिंग के हवाले से प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, हेयरिंग बाय प्ले, सोशियबिलिटी और फ्रीडम, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वो बात करते हैं कि इस तरह से बच्चों को हम बेहतर वे में गाइड कर सकते हैं। असेंशियल जो बेटा करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके किंडरगार्टन की, उसमें मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है स्कूल, बेसिकली किंडरगार्टन जो है स्कूल्स, और वेद चिल्ड्रन डिस्कवर देयर इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिटीज इन रिलेशन टू अदर्स, ठीक है, जैसे दूसरे लोग माशरे में एग्जिस्ट करते हैं और हम उनसे कंपेयर करते हैं, ऐसे बेटा स्कूल के अंदर रहते हुए बच्चे जो है एक दूसरे से ये लर्न करें, इंडिविजुअलिटी को लर्न करें कि मैं कैसे मुनफरद हूँ दस और दूसरों से कंपेयर करें। द सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज गिवन एम्फसिस इन दीज स्कूल्स, दे विल बी इन एटमोसफियर ऑफ फ्रीडम एंड लॉट ऑफ स्कोप फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और इसमें फिर वो डांस है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स हैं, विभिन्न एक्टिविटीज में टीचर्स जो है ना वो एंगेज करते हैं बच्चों को। मैनर्स ऑफ फ्रूबल की अगर बात करें, फ्रूबल लेड एम्फसिस ऑन प्री स्कूलिंग एंड नर्सरी एजुकेशन, नेसेसरी एजुकेशन, फ्रूबल स्ट्रेस द नेसेसरी ऑफ स्टडी ऑफ द चाइल्ड नेचर हिज इंट्रेंसिक एंड इम्पल्सिस, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चाइल्ड की जो नेचर उसको भी स्टडी करें और उसकी जो जबिलत है उसको भी स्टडी करें और उसकी जो इम्पल्सिस हैं उसको भी स्टडी करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि चाइल्ड को बाहर तौर पर स्टडी किया जाए। परमानेंट कंट्रीब्यूशन के हवाले से इनर सेल्फ एक्टिविटी डायरेक्ट्स द डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्ड अर्ली एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज अराउंड प्ले, यानी प्ले में बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जोर देता है। और कंक्लूजन के पॉइंट से ये बात आ रही सामने कि फ्रूबल वाज़ द फर्स्ट एजुकेशनल एवोल्यूशनिस्ट, एजुकेशन टू हिम वाज़ प्रोसेस बाय विच द रेस एंड इंडिविजुअल इवॉल्व्स टू हायर एंड हायर लेवल्स, तो एजुकेशन के थ्रू बच्चों को, बड़ों को, सबको आगे लेके जाना चाहते हैं, सब रेसिस को। तो ये अभी यहाँ तक मैं कुछ थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ। अब इन दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगा है, मारिया मॉन्टेसरी या फ्रूबल, ये मुझे गाइड करें।